असलम टू ऑल ऑफ यू आई एम हेयर आफ्टर लॉन्ग टाइम टू टेल यू अबाउट फिशेज सो फिशिज़ के बारे में यू कैन uh, से दैट कि फिशिज़ आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट हु हैव सक्सेस इन वाटर सबसे पहले हम इसके कुछ एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव के uh, हवाले से बात करेंगे uh, जिसमें हम उसकी क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो फिश जो हैं वो सब फाइलम क्रेनिएटा से बिलोंग करते हैं क्रेनिएटा मीन्स के विच हैव क्रेनियम अब इसकी कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में देखें तो स्कल जो है इन दैट फाइलम स्कल सराउंड्स द ब्रेन एंड दे हैव ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आईज एंड इन अडेयर अब क्रेनिएटा जो फाइलम है यू कैन से दैट कि इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू

फाइव हंड्रेड ईयर्स है पहले जो है उनको मिले थे उसके बाद इसके जो टू डिवीज थी क्रेनटा की इनफ्रा फाइलम आप कह लें हाइप्रोट्रिटी या वर्टि वर्टिब्री तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम हाइप्रोट्रिटी को डिस्कस कर रहे हैं हाइप्रोट्रिटी की भी आगे से फर्दर डिविजन्स की हम बात करें तो उसकी एक क्लास है मिगजनी मिग्जनी क्लास से जो है फिशेस बिलोंग करती वो हैक फिशेस अब इनकी कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो इन हैक फिश है कार्टिलेजनस बार डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू तो हाइप्रोटिटीज सो दे लैक वर्टिब्री एंड रिटेन नोटोकॉड एंड दे have फोर पेयर ऑफ सेंसरी tentacles around mouth. ठीक है इनके जो mouth के आगे जो है वो four pairs होते हैं sensory tentacles. के जो कि सेंस कर सकते हैं और उसके अलावा दे हैव अ वेंट्रो लेटरल स्लाइम ग्लैंड जो कि वेंट्रल और लेट्रल पोजीशन पे इनके जो है स्लाइम ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनका काम जो है वो स्लाइमी सेक्रीशन से क्रिएट करना होता है उसके अलावा इनका इन्वायरमेंट देखें कि किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हैक फिशेस सो मेरीन इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं एंड ये सकवेंजर्स होते हैं इनकी फीडिंग हैबिट की बात अगर करें तो दे आर सिक्वेंजर्स विच कैन फीड ऑन डेड डेन डाइंग फिशेस ठीक है तो दिस इज अबाउट द क्लास मिगजनी विच फर्दर बिलोंग टू फ़ाइलम हाइप्रोट्रिटी एंड हाइप्रोट्रिटी फर्दर बिलोंग टू सब फाइलम क्रेनिएटा दिस इज द डायग्राम हेयर यू कैन सी दैट सेंसरी टेंटिकल्स

उसके अलावा इसमें अगर इसकी सब डिवीजन की बात करें जैसे उसमें हाइप्रोट्रीटिक की डिवीजन क्लास मिग्जनी थी इसकी डिवीजन आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स ऑस्ट्रैकोडर्म यू uh, कैन से दैट के इज अ क्लास ऑफ uh, इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें एग आ जा जाते हैं दीज आर फिशेज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अब या आप इस क्लास को एगनेथा भी कह सकते हैं ठीक है तो दे आर एक्सटिंगट फिशेस और बोनी आर्मर इनके पास बोनी जो है आप कह लें फ्लैप या प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको बोनी आर्मर कहा जाता है बोनी आर्मर फिशेस ठीक है सो बॉटम डवैलर्स ये बॉटम पे डिवेलर्स uh, होते हैं बॉटम साइड पे दैट्स वाई इनको बॉटम डिवेलर्स कहा जाता है तो uh, ये साइड पे एक छोटा सा व्यू है जिसमें आपको एक्सटिंक्ट जो है ऑस्ट्रैकॉर्डम दिया एग ने शो करवा रहे हैं जो कि अब नहीं है और बताया जा रहा है कि ये कहाँ पे है ये सिलूरियन सी इसी लूरियन इधर इस टाइम पीरियड जिस उस टाइम का जो है ये एक आ आप कह लें एनवायरमेंट है जिसमें आपको शो करवाए जा रहे हैं ऑस्ट्रैकॉर्डम विच आर नॉट प्रेजेंट इन अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट जो है द क्लास टेरोमाई ठीक है टेरोमाइजोंटिडा क्लास के बारे में बात करें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की या इसमें कौन सी फिशिज आ जाती हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सो द मोस्ट नॉन फिशीज यू कैन से दैट ब्रुक लैम्परे लैम्परे सिंपली यू कैन से दैट बिलोंग टू क्लास टेरोमाई एंड टेरोडा बिलोंग्स टू डेफिनेटली इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा ठीक है सो so, इनका जो इन्वायरमेंट है कि किस इन्वायरमेंट से ये बिलोंग करते हैं सो दे बिलोंग टू मेरीन एंड फ्रेश वाटर उसके अलावा दीज आर प्रीडेटर एज अडल्ट मतलब जब अडल्ट कंडीशन में होते हैं ये अडल्ट स्टेज तक आ जाते हैं तो ये एज अ प्रीडेटर एक्ट करते हैं और जब लारवी कंडीशन में होते हैं तो ये फिल्टर फीडर होते हैं दे डोंट एक्ट एज अ प्रीडेटर दे जस्ट आर फिल्टर फीडर और इनके एग्जाम्पल जैसा कि हमने बता दिया आपको कि टेरो में की एग्जाम्पल जो है ब्रुक लैम्पड़े है और ब्रुक लैम्पड़े जो है ये लैम्पड़े वो अडल्ट स्टेज पे जब आ जाती है वो खाना पीना छोड़ देती है दे डोंट फीड वो अपनी डाइजेस्टिव हैबिट्स को जो है वो ख़त्म कर देती है और वो सिर्फ लार्वी कंडीशन में ही फीड करती है अडल्ट कंडीशन में नहीं करती इनके लाइफ साइकिल की बात करें हम तो लाइफ साइकिल uh, जो है दो इन्वायरमेंट uh, में मुकम्मल होता है दे आर मेरीन एंड फ्रेश वाटर सो दोनों इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इनका लाइफ साइकिल चलता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है कि लाइफ साइकिल इन्वॉल्व ओपन वाटर अडल्ट स्टेजेस ठीक है अडल्ट स्टेजेस जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में आ जाती हैं एंड लार्वर स्टेजेस जो है वो रिवर या स्ट्रीम कंडीशन या फ्रेश वाटर कंडीशन आप उनको कह सकते हैं कि उसमें आ जाती हैं दिस इज़ द ब्रुक लैम्परे एंड नाउ लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल यू कैन से दैट एंड यू कैन सी दैट हेयर के आप देखिए सबसे पहले लैम्परे uh, जो है वो ओशन से uh, फ्रेश वाटर की तरफ जा रही है और जैसे ही वो फ्रेश वाटर में चली गई है उसने मेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है ठीक है मेटिंग के बाद जो है आ, उन्होंने लार्वी को जिसको उन्होंने एमोसिटी लार्वा बोला है ठीक है एमोसिटी लार्वा को सैंड में बड़ी कर दिया नॉट फुली बरीड बट पार्शली बरीड ठीक है उसके बाद जैसे ही आ, कुछ टाइम गुजरता है ठीक है तो वो सैंड से निकलने के बाद जो है वो यंग लैम्पड़े माइग्रेट करना शुरू करता है ओशन की तरफ ठीक है तो जैसे ही ओशन में जाता है वो एज अडल्ट जैसे ही उस स्टेज तक पहुंच जाता है वो एज ए अडल्ट अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देता है और दोबारा से ऐसे लाइफ साइकिल उनका चलता रहता है उसके बाद इनकी एक नेक्स्ट सुपर क्लास की आप बात कह लें क्योंकि सुपर क्लास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे भी इसकी कुछ क्लासेस हैं तो सुपर क्लास गनेथोस्टोमेटा जैसे हमने प्रीवियसली एस को ए गनेथा कहा था ठीक है तो इनको हम कह रहे हैं गनेथ

उसके बाद इनकी फर्दर सब डिवीजन की बात करें कि गैनेथोस्टोमेटा इज अ सुपर क्लास व्हिच इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस दैट आर कॉन्ट्रिकिथिस एक्टिनोटेरिगी एंड सार्कोटेरिगी सो so, सबसे पहले फर्स्ट क्लास हम इसकी देख लेते हैं कॉन्ट्रिकिथिस पहला कॉइड स्केल्स इनके पास होते हैं इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है और आगे से इस क्लास की भी फर्दर डिवीजंस है ठीक है डिवाइड हुई फर्दर डिजन आई जो कि एलेसमो ब्रांस और होलो अब सब क्लास ऑफ जो कि एलेसमो ब्रांकी है उसके मेंबर की एग्जांपल वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं शार्क्स स्केट्स एंड रेस उसके अलावा द अदर डिवीजन ऑफ कॉन्ट्री किथीज क्लास इज होलोफेली जिसकी एग्जाम्पल जो है रेड फिशेज है इसके अलावा ये ओपरकुलम प्रेजेंट होता है या इनको ओपरकुलम फिशेस भी कहा जाता है क्या मतलब है कि इनके पास ओपरकुलम या एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके गिल्स को प्रोटेक्ट करता है उसको हम ओपरकुलम का नाम दे देते हैं दीज आर द फिशेस वी हैव नेम्ड प्रीवियसली उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्लास इसकी सार्कोटेरिगी है गथोस्टोमेटा सुपर क्लास की द नेक्स्ट क्लास इज सार्कोटेरिगी इसकी जो है ये फिशेस जो हैं ये लोब फिंड फिशेस इनको कहा जाता है इससे जो बिलोंग करते हैं मीन्स इनके पास जो फिन्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं विद लोब्स ठीक है और इनके पास लंग्स होते हैं फॉर द गैस एक्सचेंज परपज़ इसीलिए इसमें जो फिशिज आ जाती हैं उनको लंग फिशिज भी कहा जाता है जिसके थ्री जेनरा हैं जो कि प्रेजेंट है आस्ट्रेलिया अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इसके अलावा लंग फिशेस के अलावा सिलो कैंस फिशीज़ आ जाती हैं इसमें जिसके टू स्पीशीज़ हैं जो कि अफ्रीका और इंडोनेशिया में पाई जाती हैं उसके अलावा एक और आ, जो है इसकी आप कह लें सब क्लास कह लें या वैसे कह लें फिशिज ट्रेट्रापीडोम जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अब नहीं हैं और इन फिशिज़ को समझा जाता है एनसी एम्फीबियंस के एनसेस्टर्स

एक्टिनोटैरिगी में जो फ़िशिज़ आ जाती हैं दे आर रे फिंड फिशेज रे फंड फिशेज मीन्स दे हैव फिंस बट द लैक मस्कुलर लोब्स उनके पास मस्कुलर लोब्स नहीं होते जैसे प्रीवियसली हमने कहा कि उनके पास मस्कुलर लोब्स होते हैं इनके पास नहीं होते उनके पास लंग्स फ़ॉर द गैस एक्सचेंज इनके पास स्विम ब्लेडर्स हैं फॉर द गैस एक्सचेंज और इनकी आगे से आप कह लें सब क्लासेज जो हैं उनमें कॉन्ड्रोथसटीन्स आ जाते हैं या नियोटैरीगी आ जाती है ठीक है में कॉन्ड्रोस्टी और पैडल फिशेज आ जाती हैं और नीओ में गार्पाइक एंड डॉग फिश और फिशेज आ जाती हैं या मॉडर्न बॉनी फिशेज जो हैं वो भी कौन सी सब क्लास से बिलोंग करते हैं नियो से और फर्दर ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं एक्टिनोटेरिकी से और एक्टिनो किस सुपर क्लास से बिलोंग करती है गिनेथोस्टोमैटा से विच ओके उसके बाद दीज आर द फिशेस जिनके अभी हमने नेम डिस्कस किए सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड होप सो आपको समझ आई होगी नेक्स्ट uh, हम इसके कुछ अदर uh, फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून इंशाल्लाह एंड थैंक यू सो मच